तो दोस्तों आज हो गई है 11 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं तो पद छोड़ दें, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह क्यों चाहती है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। पार्टी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को रद्द करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें पद से हट जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के राजनीतिक हालात और किसानों के मसले पर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ में एक वर्चुअल बैठक की। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जनता ने सरकार को चुना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। जनता के प्रति मोदी सरकार जवाबदेह है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। कानून को बनाने और रद्द करने का अधिकार संसद को है, अदालत को नहीं। अगर मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे एक मिनट भी सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को और यहाँ पर कहा है कि अगर पीएम मोदी तीनों ही काले कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं तो उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा पुलिस ने किसानों के मार्च को रोकने के लिए पानी की बौछारें की हैं, दागे हैं आंसू गैस के गोले। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले के कैमला गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए पानी की बौछारें की हैं और आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने कैमला गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बहरहाल प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और किसान महापंचायत कार्यक्रम को वहां पर पूरी तरीके से बाधित कर दिया। उन्होंने मंच को क्षतिग्रस्त कर दिया, कुर्सियां मेज और गमले तोड़ दिए। किसानों ने अस्थाई हेलीपैड का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था इसलिए मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। देख सकते हैं कि लगातार दिन पर दिन किसानों का गुस्सा बीजेपी पर बढ़ता ही जा रहा है। किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी बीजेपी का कोई भी नेता हमारे गांवों में आएगा हम उनको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, जहां भी बीजेपी के नेता रैली करेंगे वहां हम विरोध करने पहुंच जाएंगे। ये किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं, देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी किसानों के बीच में फंस गए और जबरदस्त तरीके से किसानों ने किया है विरोध। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा अभी भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि अभी भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जिस वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर किया है इसमें वे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान और मजदूर को कमजोर कर रहे हो। जब किसान कमजोर होगा, खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पर, तब आप उन पर अपने अध्यादेशों की कुल्हाड़ी मारोगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने घेरा था 2015 में अप्रैल में मोदी को, लेकिन तब किसी ने भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका आज खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। किसान मजदूर सड़कों पर हैं और मोदी सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है और पूंजीपतियों की सरकार करार दिया है मोदी सरकार को। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, किसान प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी विधायक के विवादित बोल, कहा चल रही है चिकन बिरयानी, बर्ड फ्लू फैलाने की है साजिश। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में बैठे किसानों को 45 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं,
किसानों की मांग है कि सरकार तीनों ही नए कृषि कानूनों को निरस्त कर दे। किसानों और सरकार के बीच में 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस हल नहीं निकला है। इस सबके बीच में बीजेपी के नेता के लगातार विवादित बयान सामने निकल के आ रहे हैं। राजस्थान बीजेपी नेता और विधायक मदन दिलावर ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वहां पर आराम से चिकन बिरयानी खा रहे हैं। बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आप लोगों को आगे बताते चले, विधायक मदन दिलावर आगे कहते हैं कि किसान आंदोलन के बीच में आतंकवादी, लुटेरे और चोर हो सकते हैं, और वे किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये विवादित बयान देते हुए विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि ये सभी लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर सरकार उन्हें आंदोलन स्थलों से नहीं हटाती है तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन सकता है। ये यहां पर विवादित बयान दे दिया है बीजेपी के नेता और राजस्थान में विधायक मदन दिलावर ने, और इसके बाद मच गया है हड़कंप। यहां पर लगातार बीजेपी के नेता आ रहे हैं किसानों के निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के सम्मान में किसान केसरी दंगल का आयोजन। किसानों के समर्थन में उतरे हैं पहलवान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं, और इस बार किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका दो टूक जवाब मोदी सरकार को है कि जब तक ये तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के सम्मान में संयुक्त किसान मंच के बैनर तले किसान केसरी दंगल का आयोजन किया गया। किसानों के सम्मान में आयोजित इस कुश्ती दंगल में करीब 50 महिला पहलवान और पुरुष पहलवान शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मार्गदर्शन में ये दंगल करवाया गया है। बॉर्डर पर आई महिला पहलवान मीनाक्षी रोहल ने बताया, किसानों के समर्थन में हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बीते 3 सालों से कुश्ती कर रही हूँ, ये उनका कहना है। तो वहीं उनका आगे कहना है कि किसानों की इस लड़ाई में हम सब भी अब उतर आए हैं, हम किसानों के साथ आए। हम सभी पहलवान सरकार के इन काले कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने और इस तरह संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग विपक्ष ही नहीं, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। ऐसे में सबका ध्यान आज टिका हुआ है, जब डेमोक्रेट्स सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अमेरिका से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव, यानी कि 20 जनवरी से पहले ही उनको पद से हटाने की मांग यहाँ पर तेज होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया, हिंसा यहाँ पर भड़काई है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, बोले मध्य अवधि चुनाव के लिए रहे तैयार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में राजनीतिक खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सारी संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होना तय है और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार के अंदर मध्य अवधि चुनाव को लेकर के दावा कर रहे हैं, और इस बीच यहाँ पर उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहे नीतीश कुमार, उनके साथ जाने का अब कोई सवाल ही नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। धरने पर बैठे सीएम नारायण सामी ने कहा, किरण बेदी मुझे बदनाम कर रही है, पद से हटाओ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पौंडीचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी को लेकर के लगातार विरोध जारी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाले सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार 3 दिन से किरण बेदी के खिलाफ धरने पर बैठा हुआ है। इस धरने में सीएम वी नारायण स्वामी सहित अन्य नेता भी शामिल रहे। यह सभी केंद्र सरकार से किरण बेदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि किरण बेदी संवैधानिक सरकार को काम करने नहीं दे रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर उनके काम में जानबूझ करके बाधा पैदा कर रही हैं। उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उनको इस पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर कहना है पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या पीएम किसान स्कीम का पैसा 20.48 लाख गलत लोगों के हाथों में गया है? आरटीआई के हवाले से बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चलें, सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत हासिल आंकड़ों के आधार पर
एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, आप लोगों को बताते चलें, आरटीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान के तहत 20.48 लाख ऐसे लोगों ने 1,364 करोड़ रुपए उठा लिए हैं जो इसके हकदार नहीं थे। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, ऐसे गैर वाजिब लाभार्थियों में से सबसे ज्यादा तादाद पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। उनमें भी पंजाब, असम और महाराष्ट्र में ही ज्यादातर ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अयोग्यता होते हुए भी इस स्कीम का लाभ उठाया है। आप लोगों को बताते चलें, यह बात सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत सरकार से मांगी गई जानकारी में सामने निकल के आई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैरान करने वाली घटना, छेड़खानी के आरोप में पीटे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यूपी के वाराणसी में छेड़खानी के आरोप में बीजेपी के एक पूर्व विधायक को लोगों ने पीटा और कान पकड़ करके माफी मंगवाई है। इससे जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। खबर के मुताबिक ये मामला वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के भगतुआ गांव का है, जिसके बाद लगातार बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है सोशल मीडिया पर। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत